दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार अपने इस यूट्यूब परिवार 2πF पे। यहाँ पर जो है हम लोग का मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी जो कि IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का यहाँ पर निकल करके आया। इस बार जो है IOCL का भी रिक्रूटमेंट उसी तरह आया जिस तरह सेल का आया था। सेल का क्या था, पूरा कंबाइन करके एक साथ दे दिया सभी सेल का, उसी तरह सभी IOCL का एक साथ आया है इस बार। ओके, तो आप वीडियो बनाने में अपलोड होने में लेट हो रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या इस बार जो है IOCL जो है यहाँ पर दिया गया। देखिए, ये आपका जो है ऑफिशियल नोटिस है, आपका IOCL से ऑफिशियल नोटिस रिगार्डिंग आपका रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल का। ओके, ये जो आपका पब्लिश किया गया है 20/7/2024 को ही ये डाल दिया गया था। ओके, थोड़ा सा लेट हो गया मेरे तरफ से इसको अपलोड करने में। देखिए यहाँ पे जो सभी चीज का, जैसे आपका हो गया पहला जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन के लिए, और सभी जगह जैसे गुवाहाटी में कितना सीट है, बरौनी में कितना सीट है, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, PRPC, पानीपत, डिगबोई, ओके, बोंगागांव और पारादीप, सभी जैसे मतलब जहां जहां जितने जितने सीट है, जितना है उसके जहां सभी जगह है, सभी का एक साथ बोल सकते सेंट्रलाइज करके यहाँ पर निकाल दिया गया है। ओके, फिर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर ये P&U का, तो सभी का जो है एक साथ यहाँ पर जैसे सेल का आया था उसी तरह से यहाँ पर निकल कर गया, और सभी जहां जहां आपको डालना है उस सब से आप प्रिफरेंस यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, तो सभी का सीट यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर बता दिया गया है। देखिए क्या क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए और कब से कब इसको भरना है वो भी देख लेते हैं। ये एक शॉर्ट में थोड़ा सा दे दिया गया कि ERPL बिहार में कितना है, वेस्ट बंगाल में कितना, हरियाणा में कितना, सभी पोस्ट के हिसाब। तो इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, T&I का है, अटेंडेंट का है। ओके, चलिए देखिए इसका पहले हम लोग देख लेते हैं क्या इसमें, हम लोग पहले देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन खोज रहे हैं इसमें। तो क्वालिफिकेशन अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पर, देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर पोस्ट कोड उसका 201 है। इसमें क्या चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, और 3 ईयर BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले को भरने दिया गया, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो कि 50% एग्रीगेट मार्क चाहिए, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक, अगर आप बात करें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर P&U के रिगार्डिंग, तो इसमें जो है चाहिए आपको रिफाइनरी यूनिट वेयर बॉयलर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट हैज प्रिस्क्राइब्ड बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट BSc विद सेकंड क्लास, जहां मतलब बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए सेकंड क्लास से। ओके, वो भी चाहिए आपको। तो इसमें और क्या चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके साथ साथ क्या जो मान लीजिए कि और क्या है, जो ITI किए हैं उनको जो है 2 साल का, या फिर जो BSc किए हैं उनको जो है क्या चाहिए, तो यहाँ पर जो है आपका 2 इयर्स मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन, और बिहार ये जो है ITI पीटर जो है मिनिमम 2 इयर ड्यूरेशन का उन लोगों को भरने दिया गया है। ठीक, अलोंग विथ 3 ईयर डिप्लोमा वाले तो भर ही सकते हैं, और मैट्रिक विथ ITI फीटर का है सिर्फ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन का नहीं है, सिर्फ फीटर का, चूंकि ये P&U का है जूनियर इंजीनियरिंग का। ओके, तो इसके रिगार्डिंग, और इसमें क्या चाहिए, तो बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट चाहिए विद सेकंड क्लास, या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन बॉयलर अटेंडेंट अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, ये चीज है इसके रिगार्डिंग। तो जिनके पास सर्टिफिकेट है वही डालेंगे, अन्यथा वो नहीं डालेंगे, ऑप्शन उनको भरने के लिए आएगा। तो बोलिए तो फिर हम लोग क्या कौन सा भरेंगे। देखिए पोस्ट है, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे पोस्ट है, जैसे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर P&U O&M, इसमें क्या 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इसमें जो है आप लोग भर सकते हैं, इसमें कोई भी तरह का सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मांगा गया है। ठीक, अगर बात करें यहाँ पे कि 3 इसमें चाहिए क्या, इसमें भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इसमें भर सकते हैं आप, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं जो आपका जूनियर असिस्टेंट जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल का है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे सभी चीज सभी का जो है बांट दिया गया है। ओके, और सभी जो है सीट अलॉटमेंट भी उसी तरह से आपको तो शुरू में मैंने दिखाई दिया यहाँ पर जो है। और अगर बात करें तो ये आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट का है, इसमें चाहिए आपको क्या चाहिए, तो इसमें आपका 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा डिग्री डिप्लोमा चाहिए, डिग्री वाले को नहीं भरने दिया जाता है इसमें, सिर्फ जो डिप्लोमा किए वही, बात समझ रहे हैं। तो इसमें पहला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दूसरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ECE इंजीनियरिंग, ठीक, सॉरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल इंजीनियरिंग, ठीक, और ये ग्रेड 4 वाले मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल दोनों को भरने दिया जा सकता है।
ओके देखिए, ये वर्क एक्सपीरियंस है, तो वर्क एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी है, जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, भर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा एकदम दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए भी है कि इलेक्ट्रीशियन का है तो 2 साल कम से कम, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है 2 साल, फिटर 2 साल, इस तरह से सभी, मतलब लेटरल एंट्री वाला का यहाँ पे नहीं भरने दिया। जैसे लेटरल एंट्री वाले होते हैं जो ऐसे, इसमें तो लेटरल एंट्री होता नहीं, सॉरी आईटीआई में नहीं होता है। और जैसे मैकेनिकल में क्या है, इसमें जैसे डिप्लोमा में लिख दिया गया 3 ईयर, जो 3 ईयर लिख दिया गया तो इसमें लेटरल एंट्री को परमिट नहीं होता है। जो आईटीआई करके आते हैं तो क्या होता है कि 2 साल में जो है डिप्लोमा हो जाता है, तो उनको यहाँ पे भरने नहीं दिया जाता है। ओके, ये बात आप लोग समझिए। और जैसे आगे देखिए, ये सब तो पूरा सब आपका जो है सब कुछ दिया हुआ, कैसे निकालना है एग्रीगेट। ओके, ये आपका वर्क है, उसके बाद से नहीं, ठीक। तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 26 ईयर जनरल वालों के लिए। ये तो हो गया जनरल वालों के। और एज रिलैक्सेशन जैसा हम लोग का अलाउ रहता है, ओबीसी के लिए हम लोग कितना 3 साल, एससीएसटी के लिए कितना, तो 5 साल, उस हिसाब से इसमें जो है इसमें भी अलाउ किया गया एज रिलैक्सेशन। ओके, वो लिखा हुआ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रिलैक्सेशन 5 ईयर एससीएसटी और 3 ईयर ओबीसी नहीं है, तो उस हिसाब से आप लोग जो है जोड़ करके फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है टोटल जो है बता दिया गया है कि पोस्ट कोड के जरिए कितना सीट है जनरल में, कितने एससीएसटी, कितना ओबीसी, और उसका एक सर्विस में क्या क्या है, नहीं है एक्स वाई में, वो तो अलग अलग आपका दिखाया जाता है, ठीक। इसका जरा डेट देख ले, इसका मैं जरा डेट बता दूं क्या है इसका डेट। प्रोसीजर तो जान ही रहे आप लोग, कैसे क्या भरना है नहीं भरना है वो तो बताने का जरूरत नहीं है, सब डिप्लोमा किए हुए हैं। चलिए देखिए, तो जब सब जनरल रूल है, अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, जैसे सभी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उसी तरह से इसमें भी अप्लाई करना है। देखिए ये जो है हम लोग का मेन इम्पोर्टेंट जो काम वाला चीज है वो ये है। तो क्या है, तो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कितना तारीख को, 22/2024 10 बजे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कितना है, तो 21/8। अभी बहुत सारा बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एग्जाम के शेड्यूल का भी रिगार्डिंग दे दिया गया है कि एडमिट कार्ड इश्यूएंस होगा 10 सितंबर को, और सितंबर में ही एग्जाम हो जाएगा, और थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। ओके, तो उस हिसाब से आप लोग रेडी रहिए, बहुत ही बढ़िया जो है इसमें वैकेंसी आया भी आया सेल का निकल करके। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस तरह से सेल का दिया गया था रिक्रूटमेंट, उसी तरह से इस बार जो है आपका दिया गया है IOCL का भी। और जिनको मॉक टेस्ट लगाना है वो 2PIF मेरे वेबसाइट पर जाकर के, 2PIF.in पर जाकर के, कोई भी तरह का IOCL का भी अवेलेबल है वहाँ पे, जेई का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, आईटीआई वालों के लिए भी अवेलेबल है, फिटर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, सभी ब्रांच के लिए, ठीक। एक अफोर्डेबल जो है प्राइस पे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन भी आपका अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, 2PIF लिखेंगे तो आ जाएगा, जो कि चैनल का नाम है उसी पे मैं बनवाया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग के लिए, ठीक। बाकी अभी RRB JEE भी है, RRB ALP भी है। ओके, RRB ALP के रिगार्डिंग मैंने जो है कोर्स लॉन्च कर दिया है अपने वेबसाइट पर, 2PIF.in पर विजिट करके देख सकते हैं, जो जो भी जरूरत हो वो अपना परचेज कर सकते हैं। ओके, और अभी फिर अभी NTPC आने वाली है, RRB NTPC, RRB ग्रुप डी भी आने वाली है, तो सभी के लिए आप लोग रेडी रहें, और इसके लिए तो तुरंत रेडी रहें, क्योंकि इसका जो है एग्जाम डेट सभी कुछ निकला हुआ है, बात समझ रहे। तो ये चीज मिलते हैं फिर नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में, जो भी हम लोग का निकलेगा, तो आप लोग जो है बने रहें चैनल।